बैक टू माय चैनल अरमिता की किचन से। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे राजस्थानी गट्टे की सब्जी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपके घर में कभी सब्जी नहीं है तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं और ये राजस्थान की फेमस रेसिपी भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गट्टे बनाएंगे, तो इसके लिए एक बाउल में आधा कप के करीब बेसन ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। और यहाँ पर मैं आधा छोटी चम्मच के करीब अजवाइन ले रही हूँ, एक छोटी चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, तो वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको गट्टे सॉफ्ट बनाने हैं तो उसमें आप दही और ऑयल का यूज़ ज़रूर कीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद में मैं यहाँ पर दो चम्मच के करीब दही यूज़ कर रही हूँ, और इस आटे को लगाने में पानी का बहुत कम यूज़ होता है, तो दही में आप जितना इस आटे को गूंथ सके गूंथिए। उसके बाद में बहुत ही ज़रा सा हाथों पर इस तरीके से पानी को लेकर इस आटे को गूंथ लीजिए। इस आटे को थोड़ा सा हमें सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, नहीं तो जो गट्टे बनेंगे वो ज़्यादा हार्ड बनेंगे। तो ये हमारा आटा तैयार है, ये देखिए कुछ इस तरीके का गट्टे बनाने का आटा होता है। तो ये अब हमारा आटा तैयार है, क्योंकि ये आटा अभी हाथों पर चिपक रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ये जितना भी हाथों पर लगा है आटा हमारा और बाउल में लगा है वो पूरे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो ये हमारा गट्टे का आटा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट हमारे गट्टे बनेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा आटा तैयार है, तो इसमें से मैं तीन पोर्शन कर लूँगी, देखिए इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, तीन पोर्शन कर लेंगे और फिर इसके हम गट्टे बनाएंगे। हाथों से रोल करेंगे या फिर आप सरफेस पर भी रख कर आटे को रोल कर सकते हैं, मैं हाथों से इस तरीके से रोल कर रही हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से गट्टे बना लीजिए, कोई भी क्रैक्स ना हो गट्टों के अंदर, इस तरीके से आप गट्टे बनाइए। तो यहाँ पर हमारे तीन गट्टे बनकर तैयार हैं, तो चलिए अब हम इनको बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के लिए मैंने गैस के ऊपर एक बाउल में आधा जग के करीब पानी लिया है, गैस का फ्लेम हाई रहेगा। पानी में जब इस तरीके से उबाल आ जाए तभी आप गट्टे पानी के अंदर ऐड कीजिएगा, और इन गट्टों को हमें तब तक बॉयल करना है जब तक कि गट्टे ऊपर तैर कर ना आ जाए। तो 10 से 12 मिनट लग जाती है गट्टों को बॉयल होने में। अब 10 से 12 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि पानी के ऊपर गट्टे इस तरीके से तैर रहे हो, तभी आप इनको बाहर निकालें। और गट्टे इतने सॉफ्ट बने हैं कि एक गट्टा मैं नाइफ से चेक कर रही थी तो वो टूट गया था। और एक पहचान गट्टों की ये भी है कि हमारी गट्टे अच्छे से कुक हुए हैं या नहीं, गट्टे के ऊपर बबल्स दिखाई देंगे आपको, तो आप समझिएगा कि हमारे गट्टे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो गट्टों को हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं, गैस ऑफ कर लेते हैं, इन गट्टों को ठंडा कर लेते हैं, उसी के बाद में हम गट्टों को कट करेंगे। तो यहाँ पर गट्टे पूरे तरीके से हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हमें इनको कट करना है, थोड़े से मोटे पीसेस में कट करेंगे। तो चलिए गट्टों को पहले कट कर लेते हैं। गट्टों को कट कर लेने के बाद में चलिए तो ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें जीरा, और एक पिंच के करीब हम डालेंगे हींग। जब जीरा और हींग अच्छे से हमारा भून जाए तो उसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट और दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप चाहे तो कटे हुए लहसुन और कटे हुए अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें चलाते हुए प्याज को लाइट पिंक करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे प्याज लाइट पिंक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर की प्यूरी तैयार की थी, दो टमाटर की, दो बड़े टमाटर थे, तो वो ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच की करीब दही,
दही थोड़ी सी मीठी हो, खट्टी दही ना हो, नहीं तो ग्रेवी जो है वो खट्टी लगेगी। तो अब हमें दही मिक्स करने के बाद में इसको लगातार चलाना है, नहीं तो आपकी जो दही है वो फट जाएगी। और इस मसाले को हमें चलाते हुए ही भूनना है। तो आप देखिए 4 से 5 मिनट के बाद में ये मसाला भून जाता है, ऊपर इस तरीके से आपको ग्रेवी के ऊपर ऑयल दिखाई देगा। तो आप समझिए कि हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, मसाला भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करते हुए हम डालेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार ग्रेवी तैयार तो है। अब हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। तो आधा कप के करीब मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे ग्रेवी थिक लगी तो मैं और पानी का यूज़ करूँगी। तो ग्रेवी अभी मुझे थिक लग रही है क्योंकि कुक करने के बाद में ग्रेवी और थिक हो जाएगी, तो मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने 1 कप पानी यहाँ पर ऐड किया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि गट्टे हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। और अगर आप गट्टे सॉफ्ट चाहते हैं तो गट्टे के आटे में आप दही और ऑयल का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो गट्टे को हम ग्रेवी के अंदर ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद में हमारी लाजवाब गट्टे की सब्ज़ी, राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया आई है। तो गैस ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक बाउल के अंदर सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, कितनी डिलीशियस ये सब्जी लग रही है। और आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Thank you.